फिर दूसरे छोटे छोटे एमएलए पाल लेते हैं, कोई एमपी पाल लेता है, कोई जिला परिषद पाल लेता है, कोई सरपंच पाल लेता है। उद्योगपति तो देते हैं पैसा, इनको कौन देगा भाई साहब? क्योंकि आपको मैं कहूं चुनाव लड़ो, आपको इतना पैसा नहीं है, मैं कह दूंगा कोई नहीं जमीन बेच के लगा दो। जमीन बेच के क्यों लगा दो? अरे एमएलए बन के कहो, अरे नहीं कमाया तो, अरे तो भाई क्या दिक्कत है बताओ? इतने लोग ये भी तो लगा रहे हैं। कोई नेता अपनी जेब से एक सिंगल पैसा नहीं लगाता भाई साहब, ये मालिक ढूंढते हैं। मालिक पैसा दो, अब मालिक क्या बोलता है कि पैसा तो दे दूंगा लेकिन बनने के बाद मेरे लिए करेगा क्या? कि बोलो मालिक क्या करना है तुमको, यहां से सड़क निकालनी पड़ेगी, ऐसा सवाल पूछना पड़ेगा विधानसभा में। मालिक यहां से क्यों? अरे यहां मैंने 20 एकड़ जमीन खरीद रखी है, अभी इसका 30 लाख का रेट है, तुमने सड़क निकाली, निकालते ही अपना 1 करोड़ का रेट हो जाएगा। तो जो 20 एकड़ जमीन है सीधा 6 करोड़ 60 करोड़ का मालिक। यार ये तो बढ़िया है, तो फिर क्या करना पड़ेगा मालिक? तो चुनाव लड़ दबा के। तो मालिक पैसा लगेगा, कितना लगेगा? 1-2 करोड़ तो लगेगा, ले जा चल दिया जा, खर्चा जितना होगा बता देना। अब वो इस पार्टी के नेता को भी पाल लेता है उद्योगपति, दूसरी पार्टी के नेता को भी पालता है, तीसरी को भी पालता है, चौथी को भी पालता है। जाकर देखना किसी आड़ती के पास, बैठ जाना चुनाव के टाइम पे परमानेंट, वो हर कैंडिडेट को पैसा देता है, हर कैंडिडेट को। एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं होता जिसको वो पैसा नहीं देता, लेकिन चेक कितने का देगा ये इस बात पर निर्भर करेगा इसके जीतने के चांस कितने हैं। मान लो कोई नया कैंडिडेट आया है जिसके पल्ले 10 वोट हैं, मैं बोला लाला जी इसको क्यों 1 लाख रुपया पकड़ा दिया? अरे बलारा जी कभी तो कुत्ता बड़ा होगा। एक्चुअली ये शब्द इस्तेमाल करते हैं भाई साहब, असल में ये साले कुत्ते होते हैं, ये किसी के नहीं होते, जो बोटी डालेगा उसके होते हैं ये, इनको बोटी डालते रहना चाहिए। इनको कभी गाड़ी भेज दिया, इनकी रैली में कभी दूसरे लोग भेज दिए, इनको कभी कोई टेंट लगा दिया, कभी इनके लिए कुछ कर दिया। ये नेता को सारे उद्योगपति, मतलब बैठे बैठा कोई भी आदमी दिल से, यहाँ पे हम जनता सरकार मोर्चा में कोई आदमी अपनी नेक कमाई से 10 रुपये भी देता है, हम उसका बहुत सम्मान करते हैं। वो हमको इसलिए देता है कि हम लोग समाज के काम में लगे हैं, हम कोई नेता वेता नहीं, लेकिन वहां पर उसको ये मालूम है इसके जीतने के चांस ज्यादा है, तो इसके ऊपर 1 करोड़ खर्च करना है, ये सेकंड नंबर पे आएगा इसको 20-1 लाख दे देंगे ये उसमें काम चल जाएगा, ये तीसरे नंबर पर है उसका इतना किसका इतना, और आखिरी आदमी को भी कुछ ना कुछ वो देकर भेजते हैं। और उनको ये मालूम है क्या पता दूसरी पार्टी टिकट दे दे अगली बार, क्या पता अगली बार ये जीत जाए। तो याद रखेगा कि जब मेरे पल्ले कुछ भी नहीं था लाला जी ने मुझे पैसे दिए थे, याद तो रहेगा ना भाई। अभी जो लोग स्ट्रगल के दौर में साथ देंगे उनका तो हमेशा याद रखता है। तो अब बनिए इतने शाणे, बनिए मतलब मैं लाला अग्रवालों को नहीं बोल रहा हूं, मतलब जो दुकानदार आदमी है जो सौदा करना जानता है मैं उसको बढ़िया बोल रहा हूं, वो इतना शाणा है कि उसको सौदा करना आता है कि मैं जो पैसा दे रहा हूं इसके बदले में मुझे इससे काम निकलवाने हैं। क्योंकि सामाजिक आदमी ही नेता बनने की कोशिश करता है। अब सामाजिक आदमी की क्या खासियत है? मान लीजिए हमें काम करने के लिए, हमें नेता, मैं अपनी बात बता देता हूं, मुझे चुनाव लड़ने के लिए लाला जी से पैसे लेने की जरूरत पड़ 1 गई, लाला जी ने हमको पैसा दे दिया, मान लो 1 लाख रुपया दे दिया, मेरे को चुनाव लड़ने का जुगाड़ नहीं था, तो अब लाला जी ने दिया तो लाला जी की नमस्ते है, क्योंकि पैसा दे रखा है भाई शुरुआत के दौर में। अब 4-5 दिन के बाद मेरे पास एक गरीब आदमी, एक समाज का आदमी आता है कि देवेंद्र जी ऐसे ऐसे करके मेरे साथ अन्याय हो रहा है और मेरा जीना दुभर कर रखा है एक आदमी ने, और मैं बिल्कुल मर जाऊंगा अगर मेरे को न्याय नहीं मिला तो। और मैं कहूंगा तेरे साथ न्याय कौन कर सकता है, जनता ही सरकार है, चल चलते हैं अभी के अभी, हरामखोर को भी देखते हैं, चलना कहाँ है? बोलो लाला जी के पास चल। लाला जी ने तो 1 लाख रुपया दिया था भाई, लाला जी को गालियां कैसे दूं जाके, नहीं समझे? क्योंकि सामाजिक आदमी ही तो नेता बनेगा ना। अभी नेता को उसने पालतू बना लिया, अभी नेता समाज का सामान, क्योंकि इतना पैसा फेंकने का किसके पास होगा? जिसने 2 नंबर से पैसा कमाया है। 2 नंबर से पैसा कमाने का मतलब जिसने आम जनता को चूसा है, जिसने किसी का हक मारा है। तो हक मारने वाला आदमी अगर आवाज उठाने चलेगा तो वो किसके पास जाएगा? जो समाज में थोड़ा दिखाई दे रहा है, चार जात बोलता हुआ समाज के लिए, वो बोलते हुए आदमी के पास पहुंचेगा, और फिर वो नेता उस लाला के खिलाफ बोल नहीं पाएगा, तो फिर वो घर आकर के निराश हो जाएगा और कहेगा सारे चोर हैं। क्यों ऐसे होता है? नहीं। और ये व्यवस्था बनाई है उन्होंने, मैं आपको बता दूं, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा। अगर किसी नेता के बारे में कहोगे बड़ा ईमानदार नेता है, तो वो एमएलए बनने के बाद 20 एकड़ 50 एकड़ जमीन कैसे खरीद गया अगर ईमानदार था तो? हमसे तो नहीं खरीदी जाएगी, क्योंकि जितनी एक एमएलए की तनख्वाह होती है, मैं आपको बताऊं, कई बार ये आपको चर्चा मिलेगी, बहुत सारी चर्चा मिलेगी, और वाहियात जो लोग समाज के होते हैं वो ये चर्चा में शामिल मिलेंगे कि एमएलए को इतनी सैलरी मिलती है, इतना पेंशन मिलता है, इतना काम मिलता है, ऐसा ऐसा कहते हुए मिलेंगे वो आपको, और आपको एक गलत डिबेट में घुसा देंगे